पबजी में नंगे घूमे प्रो टिप 1 बाय नील वेलकम टू एन अदर पॉडकास्ट विद दी बेड टाइम पॉडकास्ट। आज हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं आयुष जो लास्ट वीडियो में नहीं थे, नील जो शुरू से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए और अंकुर। अंकुर ठीक हो गया अपनी बीमारी से और वो भी दोबारा से आ चुका है। तो आज हम बात करने वाले पबजी के बारे में, पबजी बैटल ग्राउंड। और यहाँ पे अच्छा ये वीडियो सब लोग प्लीज एंड तक देखो, जितना टाइम हो सके उतना टाइम देखो, वॉच टाइम दो। तो भाई पबजी कितने सबने खेला यहाँ पे? पबजी सबने खेला भाई, सबने खेला। कैसा लगा? अभी भी खेलते हैं। हाँ अभी भी खेल रहा है तू? बढ़िया बढ़िया। तो ये कैसा, मतलब तो जब पहली बारी तूने खेला था कैसा तेरे को लगा गेम में, मजा आया? पहली बारी खेला था, पहली बारी तो बहुत। हाँ जब भी कभी दो साल कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा है। हाँ तभी की बात कर रहा हूँ, जब भी तुम पहली बार गेम खेलते हो कंट्रोल समझ में नहीं आते, वो उसको घुमाने के लिए ऊपर नीचे मेरा सर घूम रहा था क्योंकि उसको कंट्रोल करते टाइम में बहुत मुश्किल होता है। फिर धीरे 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 आदत पड़ी, फिर मजा आने लगा। तो लेकिन हॉट होते ना खेलने के लिए बंदियां और बंदे उसमें कैरेक्टर्स। तो गेम के अवतार जो मिलते हमको उसको भी नहीं जो अरे क्यों, मेरे को तो बिल्कुल चाहिए। तो क्रेज है तो कपड़े पहन के रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अपने अपने अवतार को कपड़े पहनाता है नहीं पहनाता है? मैं उतार देता हूँ कपड़े अपने। भरोसा था क्योंकि मुझे भरोसा था इससे। अरे नहीं, क्योंकि जो नॉर्मली कपड़े आते हैं ना वो बहुत ब्राइट कलर्स में रहते हैं और अतरंगी रहते हैं, तो मैप में आसानी से दिख जाता है बंदा उसमें। बात तो है लॉजिकल, मतलब सारे एकदम स्ट्रेटेजी के लिए बात करता है नीला। प्रो टिप दे दिया भाई, प्रो गेमर बनने जा रहा है। नंगे घूमे जो भी पबजी खेलता है, पबजी में नंगे घूमे प्रो टिप 1 बाय नील। #हैशटैग प्रो टिप बाय नील। और आयुष तेरा क्या एक्सपीरियंस है पबजी का? भाई मेरे को सच्ची बताऊं, मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं था, मेरे को पबजी मोबाइल कभी पसंद नहीं आया। और फिर मेरे को और ज्यादा वाहियात लगा जब वो कैरी मिनाटी और वो फालतू लोग आने लग गए, हद लेवल बहुत ज्यादा फालतू लगा मेरे को। एक्चुअल गेमिंग जो थी यूट्यूबर लोग से मर तेरे को यूट्यूबर लोग पसंद नहीं है कोई भी? तेरे को कौन सा यूट्यूबर? बात यूट्यूबर्स की नहीं है भाई, यूट्यूबर लोग बहुत अच्छे से गेम खेलते हैं लोग, बट तुम 2 लाख का कंप्यूटर बनाकर पबजी मोबाइल इम्यूलेटर पे खेलोगे उसको मैं बीपी कहूंगा। ये प्रो टिप 2 कैरी मिनाती चूतिया है। मैंने भी पहली बार जब खेला था तो मेरे को मतलब थोड़ा सा दिक्कत हुई थी कंट्रोल्स वगैरह समझने में, बट मेरा हाथ बैठ गया था जल्दी। बट फिर मेरे को पर अकेले खेलने को बड़ा बोर हो जाता था, जैसे तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ तो ही मैं खेलता था, क्योंकि फिर उसमें मजा आती थी, हम बात कर सकते, बच्चों कर सकते कुछ खेलते खेलते। मैं ले में था तब साले रात रात में तुम लोग फोन करके आ जल्दी आ। फिर ले में मैं चुप चुप के नेटवर्क आ रहा है वहाँ, इतने ठंडी में बैठ के मैं खेलता था पबजी। मतलब सब लोग साथ पे खेलते तो अच्छा लगता है। हमारा टाइम कितना ऑफ है? मैं तो जब तुम्हारे साथ खेलता था तो मैं तो 2.5 घंटे आगे हूँ और तुम रात को शुरू करते हो, तो मेरी रात तो बहुत रात हो चुकी होती है। मैं तब तुम्हारे साथ खेलता था तो मैंने लगभग खेला, अपनी नींद हराम ही करी है और फिर ऑफिस में जाना। नहीं तो इसका वो चेतन का तो बस में खेलता था, बस में बैठे खेलता था तो और ज्यादा दिमाग घूमता था। हाँ ऑफिस में वो ऑफिस कैब वगैरह में खेलता था तो उसको फिर तर पकड़ जाता था एकदम। नहीं अंकुर के भी तो आफ्टर इफेक्ट्स हो गए थे पबजी के, उसकी आंख। हाँ मेरे फिलहाल मतलब बहुत बुरी हालत थी लेकिन मजा आ रहा था। फिर ऑफिस में खेल रहा था मतलब ऐसे लगा था किसने बुक्का बुक्का मार दिया उसको। वो एक दिन उसने ऐसे कुछ तो सेल्फी भेजी थी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो मैंने उसको बोला भी था कि भाई ये क्या तू कहां से मार का क्या है। तो पबजी का बहुत टाइम बाद ऐसा गेम आया जो बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रही है, मतलब आजकल यूथ में तो कुछ ज्यादा ही एडिक्शन है,
छोड़ ही नहीं रहे लोग। पर पोकेमोन पोकेमोन गो भी तो बहुत लोग खेल रहे थे, पागलों की तरह सड़कों पे भाग रहे थे। लेकिन वो आया और गया, ये तो अभी तक कंसिस्टेंट है, बहुत टाइम तक रहा और बहुत टाइम तक रहा। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो इंटरेक्शन है इसमें बहुत ज्यादा, मतलब जैसे हम कोई भी मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं, पीसी गेम भी ले, जैसे काउंटर स्ट्राइक था शुरू में आया था, तो जब हम वो लैन पे खेलते थे और दोस्तों दोस्तों के साथ में खेलते थे जैसे गेमिंग कैफे वगैरह में जाके, तो बहुत ज्यादा मजा आता था, मतलब हमें ऑनलाइन एक्चुअली अकेले बैठ के एक्चुअली खेलने से अच्छा। फर्क उसमें सीएस गो और इन सब मूव और पोकेमॉन गो टाइप गेम में ना फर्क ये है कि पोकेमॉन गो में ना एक बंदे ने, आई थिंक मेरे को याद है एक आर्टिकल आया था, एक बंदे ने ना सिर्फ एक पोकेमॉन छोड़ के बाकी सारे पकड़ लिए थे। उसके बाद मैंने लिटरली ऐसे डिक्लाइन देखा था पोकेमॉन गो की हाँ, पॉपुलैरिटी तो में, देर इज अ सैचुरेशन, हर चीज हो गया ना। तो हाँ देर इज अ लिमिट, सैचुरेशन जो हो लिमिट गया। आता है पोकेमोन पोकेमॉन गो गो के के टाइम, टाइम देर इज अ सैचुरेशन। पर तेरे को पता है पोकेमोन गो के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने अकाउंट्स बेच रहे थे बहुत महंगे महंगे में, जैसे जिसने बहुत सारे पोकेमोन पकड़ पोकेमॉन लिए वो अपने अकाउंट ऐसे गो। हजारों हजारों में बेच रहा था। और इनफैक्ट मैंने तो बहुत लोगों को बिल्कुल देखा कि बहुत सारे फोन लगा के चलते हैं और एक फोन यूज करते हैं, मल्टीपल फोन यूज कर रहे होते हैं पोकेमोन गो खेलने के लिए। एक हाँ में पकड़ने के बहुत ही लिए। फेमस यानी कौन सी कंट्री में अंकल है, अब तो वो अपने साइकिल में घूम रहे होते हैं और उनके कम से कम मैंने 15 फोन लगे देखे हैं, सब में पोकेमोन को चल रहा है। भाई इनफैक्ट मैं तो साहब आज भी सिंगापुर में यहाँ पे रैंडमली आंटी अंकल को, यंग एज को नहीं देखता मैं, आंटी अंकल को देखता हूँ, ये पोकेमोन गो में लगे रहते हैं, ये बस में ढूंढ रहे होते हैं, बस में बैठे पर बैठे। अभी तो मैंने ये देखा बहुत सारे जो यंग बच्चे लोग हैं ना, वो लोग ऐसे ग्राउंड जोन पे जा रहे हैं पर अपना अपना ऐसा चार चार का ग्रुप बना के मोबाइल में खेल रहे हैं पबजी गेम खेल खेल रहे हैं ग्राउंड में बैठ के रहे। बैटल ग्राउंड है, बैटल ग्राउंड में ग्राउंड में फालतू जो और बहुत ही अच्छा लगा। वेल डन ये वेल गेम डन। तो एक ऐसा लौता गेम है जिसके लिए लोग अलग से एक्सेसरीज ले रहे हैं, लाइक हाँ गन चलाने के लिए ट्रिगर ले रहे फिंगर, हैं और ट्रिगर ड्राइविंग करने के फिंगर लिए ले हो रहे गया हैं, वो इनफैक्ट सब। एक वायरलेस पर कंट्रोलर आ रहे हैं, तो और किसी गेम में मैंने देखे ही नहीं सब चीजें। इसमें तो अलग ही लेवल पे ले गए हैं लोग, पता नहीं मुझे ऐसा अलग। लगता है कि इसमें ना बहुत सारे, जैसे जैसे अभी आयुष ने थोड़ा टाइम पहले बोला कि बहुत सारे यूट्यूबर्स या गेमर गेमिंग कम्युनिटी, जो यूट्यूब की गेमिंग कम्युनिटी है उसको ग्रो करने में पबजी का बहुत बड़ा हाथ है। जैसे आज की डेट में जितने भी बड़े गेमर है यूट्यूब पे, जैसे तो स्काउट या मॉर्टल भाई जिनकी बहुत मिलियन से फॉलोइंग है, वो लोग सब लोग पबजी खेल खेल के ही अपना फॉलोइंग बनाए, तो उनको देख के भी। लेट मी करेक्ट यू, सिर्फ इंडिया में हुआ है ठीक है, बाहर एक्चुअली के गेम्स खेले जाते हैं वहां पर वो पॉपुलर है, उनकी वजह नहीं, से वहां ई बाहर स्पोर्ट्स चलते फोर्टनाइट हैं। पॉपुलर हुआ, फोर्टनाइट वर्सेस पबजी चल रहा था, फॉर्टनाइट और यूएस यूके वो साइड में फोर्टनाइट ने ज्यादा पकड़ अच्छी रखी थी, और पबजी वो की चाइना टीम्स में, में इंडिया फोर्टनाइट में, वगैरह में है। इंडोनेशिया अरे में, इन सब जगह में, ब्राजील में बहुत थी। वही है ना कि कोई भी स्पोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इनका ई स्पोर्ट जिसमें लाइट ये लाइट ये चली भी गई है इंडिया का, हमारे यहाँ इंडिया पे, का हम लोग गांव में रहते हैं एक तो कहाँ जाएंगे नाम निकाला उसके है। लिए। तो नहीं मैं ये कह रहा था पर्सनैलिटी की कि शक्ल चमक रही है। तकनीकी तकनीकी जैसे खराबी के लिए हम एक खेल रहे हैं। तो जैसे अभी ये लोग पॉपुलर हुए या फेमस हुए खूब, तो इनको देख के भी तो लोगों ने फॉलो करा कि हम भी इनके जैसे गेमर बन सकते हैं, ई स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने कंट्री को, खूब पैसा बना सकते अबे हैं और लाल जो तेज भी। लगेगा तूने। पबजी हाँ यार वो दे। हाँ तो पबजी के भी है ना कितने सारे। के ही तो है, इसीलिए तो हाँ लोग उसके पीछे और दीवाने हो गए ना इनको देख देख के कि हम भी इनके जैसा बनेंगे, नाम कमाएंगे, पैसा और कमाएंगे। अब तो कॉन्टेस्ट में आने लगे हैं, तो और लोग और ज्यादा बच्चे हो रहे हैं कि अरे अब तो पैसा भी अरे कमा पहले सकते ही थे हैं। भाई, ये चाइना बैन में के तो पहले भी थे, मोबाइल मतलब कंपटीशन था, मोबाइल पबजी का कंपटीशन था। मैं आई वाज लाइक कॉम्पिटिशन भी व्हाट। सिर्फ क्रेज की वजह से बना ना। अबे लेकिन मैंने बुक माई शो पे देखे हैं पबजी के टिकट्स, हाँ तो बिल्कुल, उसमें वो सेल करते रहते हैं आपको खरीदना है और वो आपको रूम दे देंगे। ईश्वर ने खरीदा था कि अगर आप फर्स्ट आओगे तो ये प्राइस, इतने किल्स करोगे तो उतने प्राइस। तो लोग वो लाइक 50 रुपए की मैंने टिकट खरीदी और मैं अगर इतने किल कर लूंगा तो 200, 300 या 1000 रुपए या 2000 रुपए ऐसे भी कर रहे हैं लोग, मतलब एक अरे अलग नहीं लेवल बहुत पे। सारे टूर्नामेंट्स थे, इनफैक्ट ग्लोबल लेवल पे भी अपने इंडियन टीम्स भी गए थे ये पबजी हाँ मोबाइल के उन्होंने लिए। तो लाखों में जीते हैं पैसे, वो अलग है, पूरा अच्छा एक ये अलग बताओ लेवल। कि सबसे तुम सबकी फेवरेट गन्स क्या थी, आकाश तू बता पहले। पबजी याद में भी नहीं होगी यार। नहीं, मेरे को याद है मेरे AK-47। अच्छा वो ये AKM AK-47 नहीं है हाँ वो, AKM मतलब वही AKM, हाँ AK-47 ही तो बिल्कुल, है, पर हाँ वो सीरीज वही है, वही सीरीज है, आयुष वो सीरीज मेरे है को गेम बढ़िया लगती थी। तू गेम की बात कर रहे, गेम में जो चीज में, गेम हाँ में पबजी गेम के गेम अंदर गन्स तेरा की, सबसे जैसे वहां पे फेवरेट एटीएम वेपन थी, कौन सा था। M416 है,
स्कारेल है और फिर M4A1, हाँ M4A1 बड़ी अच्छी थी, बट मुझे वो लगती थी, वो नहीं थी जो स्नाइपर राइफल थी, कार करके कुछ थी, वो सबसे अच्छी थी भाई, उसने मेरी बहुत जान बचाई थी और मैंने बहुत लोगों से बहुत पहला था। वो गेम बस दूर से मारने के लिए काम आता है, अगर पास में तो किससे रह गया फिर, क्योंकि नहीं, वो नहीं, वो रिलोड करता है एक काम आता है, बट स्नाइपर एकदम से क्विक स्कोप करो मार दो। ये नील को तो जहां तक मुझे याद है, नील को वो SMG टाइप की गन थी, ये बहुत बहुत पसंद थी उसको। उजी 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 नहीं, उजी नहीं, थोड़ी दूसरी वाली अरे हाँ, एक बड़ी सी आती है जिसमें 300 राउंड कर गोलियां आती थी, मारो मारो बस मारो, मशीन गन नहीं, तू टाइप तो वो ग्रोजा की बात कर रहा है शायद, जिसमें बहुत सारे बुलेट्स आते थे। लेकिन में। नहीं, ग्रोसा में बहुत नहीं आते साले, तुम लोग भूल गए, पता नहीं कब खेले थे तुम लोगों ने। मैं तो बैन के बाद से बहुत, मैंने तो बहुत वही टाइम, 1 साल के ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, 1 या 2 साल के ऊपर हो गया। वही, तो वो ग्रोजा आजकल ड्रॉप में ही मिलता है और वो भी मैं नॉर्मल समझ वर्जन रहा हूँ के तुम जैसा कौन ही सी है। गन बोल रहे हो, उसका क्या नाम था, नाम मुझे डीपी, याद डीपी, नहीं, डीपी मेरे को क्या पता है? नहीं, देख के आता, डीपी रे, कट डीपी, डीपी में एक गोला रहता है ऊपर, बंदूक रहती है और उसका एक गोला रहता है नीचे, दो स्टैंड भी रहता है और टक 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 करते चलती है। रहेगी तो यूबीसी, वही रहेगी। यूजी, यूजी तो भाई पास में बड़े काम आती थी, यूजी डर नहीं डर यार, करते मारो। यूजी तो नहीं, वो वाली थी ना सिंगल, ऐसे नहीं, डर मारना ली। हाँ, एक तो टॉमी गन है, टॉमी गन, टॉमी गन नहीं, नहीं वो है सबसे भाई। भाई याद गन थी हाँ वो रैन तो सबसे भाई याद गन है, मतलब ये उससे तो मैं बैट से मार दूं। एक मूवी आई थी ना, मूवी में भी स्टार्टिंग अरे में वो यूएमपी मिलेगा, 45, यूएमपी फोर्टी UMP 45। वो हाँ इसको बड़ी पसंद थी नील को। वो, हाँ वो क्योंकि एक्चुअली बहुत उसके अच्छी गन राउंड्स है तो यार। सबसे जल्दी आई थी, उससे उससे जल्दी हाँ राउंड्स किसी के भी नहीं है, जो जितनी जल्दी वो शूट करती है वो, लेकिन इतना अरे भाई, डैमेज उसके नहीं कर पाती उसके जितना वीडियो भी टारगेट बहुत में। जल्दी एक निकल एएम जाती का, थी भाई, एएम का फिर डैमेज अच्छा है। मैंने तो अपनी AKM बोला, तूने तूने आयुष ने स्नाइपर राइफल बोली, अंकुर ने M4 एम बोला फोर वन है, सिक्स और भाई मेरी नील डीपी, तेरी अभी डीपी है, डीपी, डीपी डीपी। डीपी तो डीपी में कौन सी बुलेट यूज होती है, 7.62 और या हाँ क्या? सेवन के, M416 हाँ भाई, वही ऑलराउंडर काफी अच्छी डैमेज गन अच्छा थी। होगा। तो सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगता था तुम लोगों को पबजी में, मतलब खेलते वक्त क्या? मेरे को तो मतलब यही बातचीत करना, सबसे बकचोदी करना, मेरे को मतलब ही नहीं था हाँ जीत वही हारू। सबसे भाई ये मजा तो उसमें ईश्वर आता से है, पूछ, अरे इसको ना इसीलिए ईश्वर में होना चाहिए था इसको, यहाँ पे इस मैं वाली भी इसको। आकाश की तरह अकेले नहीं खेल पाता, और मेरे को भी चाहिए थी कोई साथ में खेल रहा हो, कम से कम तीन, अपने तीन चार लौंड, तीन लौंडे तो होने चाहिए, ये कोई भी आ जाए। कभी दो लोगों में कभी भी कभी आ मजा तो ना जाता था करना ना एक इंडोनेशिया का बंदा, शाहरुख खान, शाहरुख खान मैं हूं ना, कुछ कुछ पड़ेगा। लड़कने दो, नहीं कुछ भी बोलते हैं। हाँ हाँ हॉल पे जाओ तो मस्त गाली गलौज चलती रहती है उसमें, प्लेन में बैठते ही। पर अभी तो बहुत, मतलब वैसे अपन तो मतलब ये बहुत छोटे छोटे बच्चे भी खेलने लगे ना काफी कम एज, अबे छह सात वही साल ज्यादा के। खेल रहे हैं और वही वही तो, काफी अच्छा खेल रहे हैं, तेरे को मौका ही नहीं देंगे तो घूम के मारने का, ऐसा फुदक फुदक के एकदम फटाफट Exactly. मारते हैं गोली। मैं इतने टाइम बाद खेलने की कोशिश करी यार, पहले तो आते थे मेरे पास 7-7 किल, 8-8 किल भी आ जाते थे यार, 1 किल 2 किल भी अभी खत्म और तुम मरते होगे। मुश्किल है। और अब तो बॉट्स में आने मैं कम तो हो गए, नहीं, क्योंकि बहुत लोग बहुत इतने बैठे हुए हैं। हाँ, और अभी लोअर लेवल में भी बॉट्स नहीं आते हैं, मतलब इंसान ही खेल रहे होते हैं, तो अगर तू नया नया भी अकाउंट बनाएगा ना, फिर भी मतलब बहुत ही कम चांसेस है। हमें वो बॉट समझते होंगे अगर हम खेल रहे हाँ हैं, अबे ये बॉट्स एक बार हैं। मैं खेल रहा था, वो मलयाली में बात कर रहे थे, बोल रहे थे ये बॉट है बोल के, इसको छोड़ दे, बोला सही साले। है ना, तो वो एंड तक बचा रहा नहीं नहीं होगा मार दिया उन लोगों ने मेरे फिर। को। अबे बॉट तो पहले मारेंगे ना। नहीं पर वही ना, अकेले अकेले जब ये खेल, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तू वो जो चार स्क्वाड वाला सीन में अगर तू अकेले जा रहा है और सब रैंडम लोगों के साथ खेल रहा है, तो वो कोऑर्डिनेशन भी बराबर नहीं बैठती ना। जैसे अभी हम लोग खेलेंगे तो बातचीत करेंगे, कुछ थोड़ा प्लान करेंगे कि यहाँ साथ जाते हैं या ऐसा कुछ करते, थोड़ा ज्यादा सर्वाइव कर लेते, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम बहुत अच्छे खेलते, चुप चुप के बट बट हाँ किसी भी ऐसे आलतू फालतू लोगों के साथ खेले तो तुरंत ही मर जाते, वो यार पैरेंट एक बार वगैरह भी मैं नहीं तो कह रहा हूँ पबजी वबजी छोड़ो, कॉल ऑफ ड्यूटी आ गया नया, वो खेल वो खेलते हैं पहले। खेलते। CSGO या कॉल ऑफ ड्यूटी वो कंप्यूटर पे, नहीं, ये फोन में भी आया ना कॉल ऑफ वो ड्यूटी, CSGO कॉल बोलते ऑफ हैं ड्यूटी कॉल, वॉर जोन टाइप में। नहीं, इस काउंटर स्ट्राइक CSGO तो कंप्यूटर वाला ना, अच्छा वो अच्छा तो तो मैं कॉल खेलता ऑफ हूँ ड्यूटी, अभी, सही, COD, कॉल ऑफ ड्यूटी की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ नहीं नहीं, वो कंफ्यूज हो रहा है कॉल ऑफ CSGO ड्यूटी जो है और मैं CS काउंटर काउंटर स्ट्राइक 2 स्ट्राइक से दो में। कंफ्यूज हो रहा हूँ, CSGO जो आया था।
अभी तो और एक नया आ गया ना वैलोरेंट करके, वो भी बहुत लोग खेलते हैं। क्या वैलोरेंट? वैलोरेंट हाँ, CS:GO का ही थोड़ा सा काइंड ऑफ कॉपी और वो अच्छा है लेकिन, बट लोग खेल रहे हैं। बट एपेक्स और वैलोरेंट नया आया है उस पे लोग ज्यादा चल रहे हैं आजकल। एपेक्स लेजेंड और वैलोरेंट ये नए आए हैं, मल्टीमासिव मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स। पर ये पीसी गेम्स है ना, तुम लोग तू ज्यादा प्लेस्टेशन खेलता है ना अंकल? हाँ मैं तो प्लेस्टेशन खेलता हूँ, ये पीसी पे खेलता है क्योंकि ये बड़े गेमर है तो। नहीं, हम भी पीएस लेंगे बट हमें मिले मिल ही नहीं रहा, वो हजार डॉलर में नहीं खर्च करने वाला अभी, 750 की चीज के लिए। चलो फिर अभी ये बात बताओ, ये बात बताओ, पीसी गेम अच्छे रहते हैं या पीएस वाले गेम अच्छे रहते हैं? क्योंकि पीसी गेमिंग पीसी काफी महंगे आते हैं, बस 2 लाख तक, 1.5 लाख ऐसे। तो पीसी होते हैं ना उसमें देयर आर मेनी थिंग्स। नहीं भाई देख, अल्टीमेट ये वीडियो का पार्ट है कि नहीं है पता नहीं, लाल देखेंगे तो फिर अगर वीडियो बहुत लंबी हो गई है तेरे हिसाब से, हैं तेरे हिसाब से लंबी हो गई है वीडियो, बहुत लंबी होगी वीडियो, कोई नहीं काट देंगे। चलो ठीक है फिर क्लोजिंग कमेंट्स ले लेते हैं भाई, तेरे हिसाब से तुझे क्या लगता है अंकुर, PUBG इतना एडिक्टिव क्यों हो गया? अरे बंद करो, कोई PUBG एडिक्टिव नहीं है, उसमें हम अपने दोस्तों से मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं तो, और फिर लोगों को मार पाते हैं, गाली दे पाते हैं तो लॉलेस माहौल बना रहता है। मुझे भी लगता है कि सबको, अब हम बड़े हो रहे थे तभी GTA आया था, GTA Vice City और वो, उसमें भी वो लॉलेस लैंड था ना, किसको भी आग गोली मारती सड़क पे, गाड़ी से किसको भिड़ा दो। हाँ तो वो थोड़ा था PUBG में भी आता था, पारिवारिक माहौल जो बना रहता है ना लोगों को मारने का, गाली देने का, इसलिए हाँ एक खुली खुली छूट मिल जाती है, लोग कोई भी कुछ भी कर सकता है, और नंगे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है बोलना नहीं। नील की बातों का बुरा मत मान, वो नंगे लोग। चलो इसी के साथ ये वाला हम लोग पॉडकास्ट एंड करते हैं, तो आयुष कर दे भाई, भाई लोग सब लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और कोई भी वीडियो के आइडियाज हो प्लीज कमेंट्स में डालें, हम लोग जरूर बनाएंगे। वैसे हमने शुरू कुछ और सोच लिया था कि वाइस PUBG एडिक्टिव, और बातें थोड़ी बहुत इधर उधर की कर दी सारी चीजें जो भी है, बट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, और बस भाई फिर मिलेंगे। ओके थैंक यू, बाय 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 बाय।